हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 4.4 इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं एंड इट इज अबाउट द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ सम सीरीज। सो 4.3 एक्सरसाइज में हमने राबीज टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट और उससे पहले डिलेम्बर्स रेशियो टेस्ट और कॉशी रूट टेस्ट, ये चार टेस्ट हमने देखे थे। उनकी कंटिन्यूएशन में जब रेशियो टेस्ट डिलेम्बर्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो उससे नेक्स्ट राबीज टेस्ट या लॉगरिथमिक टेस्ट। ठीक है, राबीज टेस्ट कब? जब ए एन ओवर ए एन प्लस वन, इस रेशियो के अंदर कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं होती तो राबीज टेस्ट। इफ दिस रेशियो कंटेन्स एक्सपोनेंशियल टर्म तो हमने लॉगरिथमिक टेस्ट, लॉग ऑफ दिस माइनस वन सॉरी एन टाइम्स लॉग ऑफ ए एन ओवर ए एन प्लस वन। ठीक है, इस तरह से लॉगरिथमिक टेस्ट हमने देखा था वहां पे यूज करना है। लास्ट एक्सरसाइज में लॉगरिथमिक टेस्ट जहाँ यूज हो रहा हो ऐसा कोई हमने क्वेश्चन नहीं किया था, बट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड कि जिन ए एन ओवर ए एन प्लस वन इस रेशियो में अगर एक्सपोनेंशियल कोई टर्म बच रही है तो आपने लॉग लेना है, एन से मल्टीप्लाई करना है इस रेशियो पे, पहले लॉग लेके एन से मल्टीप्लाई करके देन वी हैव टू टेक द लिमिट। ओके, इस तरह से सिंप्लीफाई करना है। इफ दिस लिमिट एल कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन वन देन सीरीज कन्वर्ज करेगी, लेस देन वन पे सीरीज डाइवर्ज करेगी। ठीक है, सो अगर आपके पास राबीज और लॉगरिथमिक टेस्ट भी फेल हो जाते हैं तो राबीज टेस्ट से नेक्स्ट, क्योंकि राबीज टेस्ट में हमने देखा था इतनी टर्म यूज हुई थी, ए एन ओवर एन प्लस वन में से माइनस वन किया था और मल्टीप्लाइड विद एन। ठीक है, अगर वो भी फेल हो जाता है तो उससे नेक्स्ट टेस्ट है डी मॉर्गन और बर्ट्रेंड टेस्ट। ठीक है, तो उसमें क्या करना होगा, राबीज टेस्ट के में लिमिट लेने से पहले, ठीक है, लिमिट लेने से पहले माइनस वन करना है और इस होल टर्म के साथ लॉग एन की मल्टीप्लाई करके आपने जब लिमिट लेंगे तो जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी एल, इफ दैट इज ग्रेटर देन वन तो सीरीज कन्वर्जेंट, लेस देन वन तो सीरीज डाइवर्जेंट, एंड अगेन इफ एल कम्स आउट टू बी वन देन दिस टेस्ट ऑल्सो डजन ड्रॉ एनी कंक्लूजन। ठीक है, तो फिर आगे ये इस टेस्ट के बाद हम एक जो टेस्ट देखेंगे दैट इज गोस टेस्ट है, उस टेस्ट में वो कभी भी इनकनक्लूसिव नहीं रहता, उसमें कोई ना कोई कंक्लूजन आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक टेस्ट और है उसी सीरीज में कंटिन्यूएशन में। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट अगेन वही करना है रेशियो टेस्ट, ठीक है, देन आपने राबीज टेस्ट, अगर वो भी फेल कर जाता है देन वी हैव डी मॉर्गन एंड बर्ट्रेंड टेस्ट। क्लियर, तो उसी के लिए एक प्रॉब्लम हम यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 से। क्वेश्चन नंबर वन है एंड द सीरीज ए एन इज वन प्लस टू स्क्वायर बाई थ्री स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर थ्री स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर इंटू सिक्स स्क्वायर थ्री स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर इंटू सेवन स्क्वायर। इस तरह से आपके पास सीरीज गिवन है और इस सीरीज में अगर हम इस टर्म से फर्स्ट टर्म को अगर एलिमिनेट करके सेकेंड टर्म से यहाँ से अगर देखना शुरू करें सो यहाँ पे nth टर्म क्या है, क्या रहेगी, टू स्क्वायर फोर स्क्वायर सिक्स स्क्वायर इसी तरह से टू एन होल स्क्वायर। लाइकवाइज डिनोमिनेटर में थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर सेवन स्क्वायर और ये होगी टू एन प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट करते हैं तो ओके, सो आपके पास nth टर्म इज दिस। सो अब हमने नेक्स्ट क्या करना होगा, एन प्लस वन वाली टर्म जो है वो लिखनी है 2n plus 1 whole square. Now, an plus 1 is nth term के बाद nth term as it is बनी रहेगी और उसके बाद होगा 2n plus n की जगह n plus 1 रखा तो 2 multiply हो गया 2n plus 2 whole square. 3 square, 5 square, 2n plus 1 whole square. n की जगह पे n plus 1 तो 2n plus 3 whole square. Now, ratio test से an over an plus 1 में आपके पास ये ए एन लिखना है यहाँ पे पूरा ए एन प्लस वन। सो आपके पास जो टर्म्स आएंगी वो है टू एन प्लस थ्री होल स्क्वायर ओवर टू एन प्लस टू
होल स्क्वायर, ओवरऑल अगर हम टर्म का स्क्वायर ले लें तो ये बनेगा 2 प्लस 3 बाई एन और 2 प्लस 2 बाई एन, ठीक है। दिस इज अवर ए एन ओवर ए एन प्लस 1। नाउ लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए एन ओवर ए एन प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी 2 प्लस 3 बाई एन 2 प्लस 2 बाई एन होल स्क्वायर और वैल्यू आ गई 1। सो यहाँ पे रेशियो टेस्ट इज कैन नॉट कंक्लूड, रेशियो टेस्ट कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग, ठीक है। रेशियो टेस्ट यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। सो नेक्स्ट हमें क्या देखना है, राबीज टेस्ट। एंड फॉर राबीज टेस्ट ए एन ओवर ए एन प्लस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद एन, ओके। पहले वो टर्म लिखने की कोशिश करते हैं, एन टाइम्स ए एन ओवर ए एन प्लस 1 दैट इज 2 एन प्लस 3 होल स्क्वायर ओवर 2 एन प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 1 था, एलसीएम लेंगे तो ये माइनस 2 एन प्लस 2 होल स्क्वायर, ये आपके पास टर्म आ गई। इसमें से हमें करना है माइनस 1, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इसे। देखिए माइनस 1 मैंने यहीं पे यूज कर लिया था तो अभी यहाँ पे यही टर्म बाकी रहेंगी। अब इसको सिंप्लीफाई जब किया n टाइम्स 4 एन प्लस 5 ओवर 2 एन प्लस 2 होल स्क्वायर, अब लिमिट ले लीजिए इस पे n, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n इंटू ए एन ओवर ए एन प्लस 1 माइनस 1। सो यहाँ पे लिमिट में ऊपर से n कॉमन ले लिया और नीचे से भी n, तो n स्क्वायर कैंसिल और लिमिट लेने के बाद ये ऊपर 4 है एंड दिस इज ऑल्सो 4, सो ये आपके पास लिमिट 1 आ गई। सो वी कैन नॉट कंक्लूड, वी कैन नॉट कंक्लूड कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कंक्लूड करना था हमें, वी कैन नॉट कंक्लूड बाय राबीज टेस्ट। राबीज टेस्ट से भी यहाँ कुछ कंक्लूड नहीं कर पाए हम। तो अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, अब डी मॉर्गन और बर्ट्रेंड टेस्ट की तरफ चलते हैं और उस अकॉर्डिंग टू दैट एन टाइम्स ए एन ओवर ए एन प्लस 1 माइनस 1, इसमें से 1 माइनस करना है और हमने इसके साथ लॉग एन मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो ए एन ओवर दिस टर्म, इसकी वैल्यू यहाँ से हम यूज कर लेंगे, ये हमारे पास है, इसमें से 1 माइनस करना है एन, तो ये बनेगा 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन अपॉन में 2 एन प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 1, बाहर है लॉग एन। सो दिस इज सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास बचा माइनस 3 एन माइनस 4 ओवर 2 एन प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू लॉग एन। नाउ लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, तो ये यहाँ पे लिमिट सबके साथ दिखना चाहिए, लिमिट जब तक अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। सो ये हो गया लिमिट, दिस इज माइनस 3 एन प्लस 4 एन, यहाँ से अगर एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 2 बाई एन होल स्क्वायर लॉग एन, और न्यूमरेटर में से भी अगर हम एन यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी माइनस 3 प्लस 4 बाई एन, ठीक है। एक एन कैंसिल हो गया तो यहाँ डिनोमिनेटर में एक एन रहेगा 2 प्लस 2 बाई एन होल स्क्वायर लॉग एन, ये एन हम लॉग एन के साथ लेते हैं और ये आपने चेक करना है कितना होगा, व्हेन लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी लॉग एन ओवर एन, देखिए इन्फिनिटी रखते हैं, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, इट इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो एलोपिटल रूल 1 बाई एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू आएगी इसकी 0, ठीक है। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0 और ये माइनस 3 बाई 2 यहाँ से बच रहा था, दिस वैल्यू इज 0, सो ये हो गई 0 इज लेस देन 1, देयरफॉर आवर सीरीज ए एन सॉरी डाइवर्जेस बाय डी मॉर्गन एंड बर्ट्रेंड, डी मॉर्गन एंड बर्ट्रेंड टेस्ट से हम इसको डाइवर्जेंट शो कर पाए। क्लियर, इस तरह से, आई नो थोड़ा लेंदी है बट अगर आपको और कोई टेस्ट, इससे नेक्स्ट टेस्ट भी है जिससे हम चीजें इजी हो जाएंगी, बट जब तक साइज 4.4 में हमें इसी टेस्ट के कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, तीन प्रॉब्लम्स और बाकी एक्सरसाइज में, उन्हें हमें सेम इसी तरह से ट्राई करना है। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मैं हिंट देना चाहूंगी. आपके पास सीरीज गिवन है 10 1, 1 + a × 1 - a और 1² + 1 + a × a, 2 - a × 2 - a और 1² + 2² लाइकवाइज 10. ठीक है, तो इसमें nth टर्म के लिए मैं हिंट देना चाहती हूँ. देखिए जो थर्ड टर्म है उसमें जो ये -1 - a, 2 - a कहाँ तक गई टर्म्स, 3 - a तक. तो फर्स्ट टर्म ए राइट साइड में जाएंगे, 1 - a, देन है 2 - a, तो nth टर्म कितनी होगी, n - a. ठीक है, n - a टर्म्स का प्रोडक्ट रहेगा. थर्ड टर्म थी तो यहाँ 3, फर्स्ट टर्म को देखिए नेगलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे. तब अब यहाँ पे देखिए जो ये प्लस में जो टर्म लिखी हुई है, यहाँ पे 3 तक गई है आपकी थर्ड टर्म और ये 2 लिखा हुआ है. इसका मतलब है इस साइड में लेफ्ट साइड में जो टर्म्स लिखी जाएंगी उसमें n - 1, ये बार का मतलब है ब्रैकेट ही है, प्लस ए, यहाँ तक टर्म्स का प्रोडक्ट रहेगा किसमें, nth टर्म में, 1² 2² 3² डिनोमिनेटर में रहेगा प्रोडक्ट अप टू n² दिस इज an. ठीक है, इसकी हेल्प से an + 1 लिखनी है और आगे आपने प्रोसीड करना है. तो ये एक्सरसाइज 4.4 डी मॉर्गन और बर्ट्रेंड टेस्ट से आपने कंप्लीट करनी है. थैंक यू.